नमस्कार। खुशखबरी, इस समय यूपी से आ रही कंप्यूटर ऑपरेटर का मानदेय बढ़ने जा रहा है। साथियों, ये खबर आप अंदेशक न्यूज़ के माध्यम पर सबसे पहले सुन रहे हैं। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर, ऑपरेशन कायाकल्प पर मुख्यमंत्री जी का विशेष ध्यान। माध्यमिक एवं प्राथमिक स्कूल में जल्द चलेंगे स्मार्ट क्लासेस। इसके साथ ही क्या है आरक्षण का मुद्दा, क्या कहा विजय किरण आनंद ने, पूरी रिपोर्ट हम दिखाएंगे इस न्यूज़ के माध्यम से। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। पहले प्रमुख खबर, यूपी में बढ़ेगा कंप्यूटर ऑपरेटर का वेतन। मुख्यमंत्री की खास योजना, प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों में स्मार्ट क्लास जल्द शुरू होंगे। आगे है, विजय किरण आनंद ने कहा सरल ऐप शुरू, क्लास 1 से 8 तक शिक्षण में कारगर। प्रतियोगी बोले आरक्षण से मिले आयु सीमा में छूट। अब खबर विस्तार से, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत कार्यरत तकनीकी सहायकों और कंप्यूटर ऑपरेटर्स के लिए अच्छी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तकनीकी सहायकों और कंप्यूटर ऑपरेटर्स का वेतन बढ़ाने पर विचार करने के लिए उत्तर प्रदेश को समिति बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रदेश सरकार इस मामले पर गौर करे। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने बिमल तिवारी सहित 32 याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाओं का कहना है कि राज्य सरकार उन्हें कम पारिश्रमिक दे रही है, वह एक कल्याणकारी राज्य होने की जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पा रही है। याचिकाओं का कहना था कि उन्हें लोक निर्माण विभाग की स्थापना में कार्यरत स्थायी कनिष्ठ अभियंताओं तथा तकनीकी सहायकों और कंप्यूटर ऑपरेटर्स के समान निर्धारित वेतनमान प्रेट वेतन ग्रेड और अन्य भत्ते भी नियमित वेतन प्रदान किए जाएं। उन्होंने न्यायालय के समक्ष तर्क किया कि वे वह काम कर रहे हैं जो यूपी राज्य के लोक निर्माण विभाग और पंचायती राज विभाग में संबंधित पदों पर कार्यरत लोगों द्वारा किया जा रहा है। कोर्ट को बताया कि दिहाड़ी मजदूरों को भी उनसे अधिक वेतन मान दिया जा रहा है। कहा कि पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, मिजोरम और छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा उच्च मासिक परिलब्धियाँ तय की गई हैं, जिससे उनका मानदेय 18,000, किसी राज्य में 25,000, लेकिन यूपी में सिर्फ 10,000 दिया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं को अनुबंध के आधार पर दिया जा रहा है वेतन। दूसरी ओर सरकारी अधिवक्ता की ओर से तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ताओं को अनुबंधन के आधार पर मानदेय दिया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि चूंकि यूपी राज्य को लोक निर्माण विभाग और पंचायती राज विभाग से जूनियर इंजीनियर के पारिश्रमिक के तुलनात्मक आंकड़े उनके पास नहीं है, इसलिए वह मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। दिया जा रहा है मासिक वेतन सभ्य जीवन के लिए कम। हालांकि कोर्ट ने यह पाया कि उनके द्वारा प्राप्त किया जा रहा मासिक वेतन एक सभ्य जीवन को बनाए रखने के लिए कम है, इसलिए उनसे राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह याचिकाकर्ताओं का वेतन बढ़ाने के संबंध में समिति गठित करें। यह समिति तर्कपूर्ण निर्णय लेगी। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए 27 मई की तिथि भी निर्धारित कर दी है। अब समाचार आ रहा है, बच्चों के आकलन से शिक्षा में बदलाव का नेतृत्व करेंगे डीएम विजय किरण आनंद। गोरखपुर समाचार, सरल ऐप से कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को अधिगम स्तर के आकलन की प्रक्रिया स्कूलों को अपग्रेड करेगी। विद्यालयों को दिया जाने वाला शैक्षिक सहयोग बढ़ेगा। यह एक अभिनव प्रयोग कहा जा सकता है। ये सरल ऐप एक वरदान साबित होगी बेसिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए, जिसमें विद्यालय के शिक्षकों द्वारा परिषद के सभी नामांकित बच्चों के अधिगम स्तर का आकलन किया जाएगा। इससे बेसिक शिक्षक शिक्षा में बदलाव का नेतृत्व करेंगे। सरल ऐप को एक वरदान साबित करने वाला टूल्स कहा है विजय किरण आनंद जी ने, और बताया ये हमारे बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए बहुत ही अच्छा कारगर साबित होगा। इधर प्रतियोगी आरक्षण पर बोले, आरक्षण में मिले आयु सीमा की छूट। प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण अभ्यर्थियों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की। इसमें आयु सीमा छूट शामिल नहीं है। यही कारण है कि प्रतियोगियों ने आयु सीमा में छूट देने की मांग उठाई है। भर्ती परीक्षाओं में हरियाणा, राजस्थान व उत्तराखंड की तर्ज पर आयु सीमा में 5 साल की छूट मांगी जा रही है। इसको लेकर मई से नवंबर महीने तक प्रदेशव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। कहने का मतलब है सारी सुविधाएं अन्य राज्यों में, लेकिन यूपी में अभी सुविधाएं
चाहे वह आरक्षण को चाहे कम वेतन को लेकर नहीं लागू की गई हैं, उनको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। एक और खबर, सूत्रों के अनुसार योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में ऑपरेशन कायाकल्प से प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों की स्मार्टनेस को और बढ़ाने का काम करेगी। इसके लिए उसने पूरी तैयारी कर ली है। फर्नीचर के लिए सरकार पर 900 करोड़ रुपए का भार आएगा। प्रदेश में लगभग 87,400 प्राइमरी स्कूलों को इससे ज़्यादा फायदा होगा। वहीं हर माध्यमिक स्कूल में पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आर्ट रूम बनाने के साथ वाईफाई की व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 2019 में ऑपरेशन कायाकल्प की शुरुआत की थी। इसके तहत सभी स्कूलों में 19 मानकों पर काम किया जा रहा है। इसे पूरा करने की समय सीमा 2023 तक बढ़ाई जा रही है। रूम बनाने के साथ साथ वाईफाई का व्यवस्था होगी। निजी बच्चों की बेहतर पढ़ाई के लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। कई विद्यालयों में बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत इन प्राथमिक, प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों में दिशा और दशा बदलने की कोशिश करेगी 2.0 सरकार। अब बात है कि क्या जो मुद्दे हैं वो हल हो पाएंगे या नहीं, ये समय बताएगा। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं किसी और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोविड गाइडलाइंस का पालन कीजिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।